सुप्रभात बहनों, कक्षा एकादश आज जो पाठ है वह पथिक आगे पढ़ेंगे। कह रहे, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अर्थ हो जाएगा, कह रहे हैं कि देखो सामने जो है निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है। सामने समुद्र जो है निडर होकर दृढ़तापूर्वक और गंभीर भाव से जो है गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। लहरों पर जो है अर्थात एक लहर आ रही है, उसके बाद वो शांत हो रही है, दूसरी उसके ऊपर आ रही है। तो कह रहे हैं उसकी जो लहरें हैं बहुत ही गहराई से निकल रही हैं और ऊपर की ओर जो है उठ रही हैं। यह जो है अत्यधिक जो है सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ही अनुराग भरी कल्याणी। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे प्रिय प्रिय प्रेसी, ये जो तुम इस सौंदर्य को जो ये प्रकृति का जो सौंदर्य है इसको जो है अपने हृदय में अनुभव करो। और कह रहे हैं कि कहो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी। यहाँ से बढ़कर जो है इस सौंदर्य के आनंद से बढ़कर जो है प्रकृति के इस सौंदर्य के आनंद से बढ़कर जो है और कोई भी सुख नहीं है। अर्थात कहने का आशय यह है कि यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अगला है, जब गंभीरतम अंध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कह रहे हैं जब आधी रात को हो जाती है और चारों ओर जो है घनघोर अंधेरा छा जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और सारा संसार जो है अंधकार से ढक जाता है, और ऐसे अंधकार में जो है अंधेरे में जो है आकाश की छत पर जो है जगमग करते हुए जो है तारे जो है दिखाई देते हैं। अर्थात रात्रि के समय जो है स्वच्छ और साफ आकाश में जो है तारों का टिमटिमाना जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसी सुंदरता के समय ऐसे सुंदर वातावरण में स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तब कह रहे हैं यह जगत का स्वामी अर्थात कौन, सूर्य मुस्कुराते हुए मुख से जो है धीरे धीरे जो है निकलता है, आकाश गंगा के किनारे के ओठ लेकर जो है इस सब सुंदर दृश्य को जो है देखते रहता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और कह रहे हैं कि आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मनमोहक गीतों को जो है गाता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि रात्रि में सूर्य छिप छिप कर जो है आकाश गंगा के सौंदर्य को देख करके जो है उसके सौंदर्य का जो है आनंद जो है प्राप्त करता है। अगला है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। कह रहे हैं कि रात्रि के समय की ही बात हो रही है। कह रहे हैं कि रात के समय में आकाश गंगा के जगमगाते सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा भी जो है क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तब वह हंसकर जो है खिलखिलाने लगता है, वृक्ष भी पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वृक्ष जो है विविध प्रकार के पत्तों और फूलों से जो है अपने शरीर को सजा कर जो है प्रातकाल के समय जो है उठ जाते हैं, और पक्षी हर संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। और प्रातकाल के समय पक्षी जब इस सौंदर्य को देखते हैं प्रकृति के, तो अपने आप को जो है अपनी खुशी को जो है संभाल नहीं पाते हैं और उसमें जो है चहकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं, और फूल भी जो है कह रहे हैं सुख की सांस लेते हैं अर्थात आनंद पूर्वक जो है महकने लगते हैं। अगला है, उपवन गिरी सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, पड़ो नहर लहर तट तृण तरुण गिरी नव किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। कह रहे हैं कि प्रकृति में जो है
वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। प्रकृति में चल रही यह जो प्रेम लीला है, इस सौंदर्य को देखकर जो है मेघों से भी जो है नहीं रहा जाता, और वह क्या प्रसन्नता के कारण जो है बरसने लगते हैं। कहाँ कहाँ पर? वनों में, उपवनों में, पहाड़ों में, कुंजों में और समुद्र तल पर जो है वह बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नींद झड़ते हैं। स्वयं पथिक भी जो है भाव विहल हो जाता है और उसकी नेत्रों से जो है अश्रुधारा जो है बहने लगती है। पढ़ो लहर तट तरुगिरि नव किरण जलत पर प्यारी लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कह रहे हैं कि प्रकृति के चारों तरफ जो ये प्रेम की लीला जो चल रही है, प्रकृति का जो सौंदर्य जो है दिखाई दे रहा है, वह जो है समुद्र के लहरों में, समुद्र के तट पर, हरे भरे तिनकों में, पहाड़ों पर सज कर खड़े हुए वृक्षों में, वर्षा में भीगते हुए पहाड़ों में, तारों से ढके हुए आकाश में, सूर्य के उज्ज्वल किरणों में, बरसते हुए बादलों में, कह रहे हैं कि इन सब में जो है यह प्रेम, यह सौंदर्य जो है देखा जा सकता है, यह जो है अनुभव करने की बात है। और साथ ही कह रहे हैं यह जो प्रेम कहानी है ये सारे संसार को जो है मोहित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। इस प्रकृति के सौंदर्य को देख करके जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो इससे आकर्षित हुए बिना रह सकता है। अगला है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, कह रहे हैं कि ये जो प्रेम कहानी है यह जो है बहुत मधुर है, मनोरम है और उज्ज्वल प्रतीत हो रही है। जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी, इसको देख करके जो है मन में ये विचार आता है कि मैं इसे शब्दों में जो है व्यक्त करूं, अर्थात कविता के माध्यम से जो है इसको जो है लिखूं। स्थिर पवित्र सा आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आए कह रहे हैं कि मेरी इस प्रेमपूर्ण वाणी को जो है पूरा संसार सुने और प्रकृति में सदा ही जो है पवित्र आनंदमय और सुकारी शांति जो है बनी रहे। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है, कह रहे हैं यहाँ प्रेम का ही राज्य है, प्रेम का राज्य जो है सर्वत्र दिखाई दे रहा है, और जहाँ प्रेम है उस राज्य, वह राज्य जो है अपने आप में क्या है सुंदर है। अर्थात कहने का आशय है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ सुंदरता है, वहाँ जो है अपने आप ही जो है आनंद ही आनंद है।